Assalamu alaikum, prep class. How are you? Alhamdulillah, I am also fine. I hope you all will be fine. Now study mathematics book. आज हमने सॉल्व करना है वो है बुक पेज नंबर 29. आपने इसको सिर्फ हाफ करना है, ठीक है? डेट लगाएं, सी डब्ल्यू लिखें, फ्राइडे लिखें, ठीक है? एडिशन ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन की मदद से आपने इनको प्लस करना है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं. सॉल्व द फॉलोइंग सम्स ऑन नंबर लाइन, कह रहे हैं इनको आप नंबर लाइन की मदद से प्लस करना है. स्टार्ट फ्रॉम बिगर नंबर, यानी कि आपने इसको जो बड़ा नंबर है उससे आपने जंप करना, आगे स्टार्ट करना है और फिर इसको आपने ऐड करना है. यूज़ नंबर लाइन टू हेल्प यू ऐड, कह रहे हैं नंबर लाइन को यूज़ करते हुए आपने एडिशन करनी है, ठीक है? अब जैसे कि है 1 + 3, तो हमने यहाँ से 3 से स्टार्ट करना है, 1 आगे जंप करना है, 3 और 1 4, और यहाँ पे हमने लिखना है 4, ठीक है प्रेप क्लास? ये जो हमने ट्री बनाया था प्लस माइनस के लिए, इस ट्री की हेल्प से मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपने इसको प्लस कैसे करना है. अब ये देखिए 3 + 1 = 4 आंसर आ गया, लेकिन 3 से हम यहाँ पे आगे जाएंगे एक नंबर, 3 + 1, और 3 से हमारा यहाँ पे देखें 4 आंसर आया. 3 से हमने 1 पॉइंट आगे करना है. ये देखें 3 है ना, यहाँ पे भी 3 है. 3 से उन्होंने कहा है कि आपने कितना आगे करना है, 1, तो हम 1 नंबर इसको आगे करेंगे, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 4. 3 + 1 = 4, 3 से हमने 1 पॉइंट आगे जंप किया तो हमारा आंसर आ गया 4. अंडरस्टैंड प्रेप क्लास? नेक्स्ट हमारा, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है 2 + 3, तो हमने यहाँ से 3 से स्टार्ट करना है, 1 2, तो हमारा आंसर क्या आया, 5, ठीक है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सी, 2 + 5, उन्होंने कहा बिगर नंबर से आपने स्टार्ट करना है, 5 से हमने 2 आगे करने हैं, 1 2, हमारा आंसर यहाँ आया 7. 3 + 4, तो 4 बिगेस्ट नंबर है, 4 से हमने 3 जंप करने, 1 2 3, यहाँ हमारा आंसर आया 7. 2 + 7, तो हम यहाँ 7 से करेंगे 1 step 2 step आगे करेंगे, आंसर हमारा आ गया यहाँ पर 9. अंडरस्टैंड प्रेप क्लास? आपने आज ये हाफ पेज ही सॉल्व करना है. अल्लाह हाफिज़.